हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस तो आज करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट यूनिट यूनि इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होता है अब देखिए आपने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन है क्या सबको पता है कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन दूसरे तक क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं चाहे इंफॉर्मेशन हो गया चाहे नॉलेज हो गया चाहे थॉट्स हो गया वो आप एक पर्सन से दूसरे तक शेयर करते हो दूसरा आता है इम्पॉर्टेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या होती है अब बैरियर्स क्या होगा बैरियर्स का क्या मतलब है प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम मतलब आपने कोई इंफॉर्मेशन सामने वाले तक रिसीवर तक पहुंचाना चाहिए पर जो इन्फॉर्मेशन आप जिस फॉर्म में पहुंचाना चाह रहे थे उस फॉर्म में रिसीवर तक नहीं पहुंची वो कुछ ना कुछ मिस हो गया उसमें से जिसे हम कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई कि मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूँ लेकिन बहुत तेज़ किसी मशीनरी के चलने की आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही या मैं कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ लेकिन आपने समझा कुछ और तो ये चीज़ हो जाती है हमारी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जैसे कि आपका क्या हो गया एक तो नोटिस करने में कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है उसकी आप सेंस नहीं समझ पाए कि सामने वाला एक्चुअल में करना क्या चाह रहा था अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या हो गया एक्सेप्टेंस एट द इमोशनल लेवल ठीक है बैरियर्स क्या हो गया ये देखिए लास्ट पैरा में बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द आस्पेक्ट्स और कंडीशन डैट इंटरफेयर विद इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडिया और थॉट्स मतलब जो हमारे कम्युनिकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इज़ बैरियर टू कम्युनिकेशन अब ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बैरियर बन सकते हैं कम्युनिकेशन में बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर कि एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा शोर है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कि व्हाट्सएप पर मैंने आपको कुछ भेजा लेकिन नेटवर्क इशू आ गया जिसकी वजह से आप तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हो गया जर्गन्स क्या हो गया टफ वर्ड्स कि हमने टेक्निकल टर्म्स यूज़ करी अपनी बात समझाने में एक्सटर्नल नॉइस हो गया इमोशंस हो गया डिस्टेंस पर्सनल इंटरेस्ट हालो इफेक्ट मतलब हम पहले ही किसी के बारे में कोई परसेप्शन बना लेते हैं कि ये जो बोलेगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा डेट इज़ हालो इफेक्ट मिस इंटरप्रेट किया फियर है स्ट्रेस है स्टेटस है चेन ऑफ कमांड है ट्रस्ट इश्यू एंड नेगेटिव सेल्फ इमेज तो ये कुछ रीजंस हैं कुछ फैक्टर्स थे जो कि बैरियर्स बनते हैं अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स कि हम बैरियर्स को किस किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं आप इसे डायग्रामेटिकली बना लीजिएगा इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल बैरियर फिर आता है सीमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर फिर आता है सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और लास्ट में आता है क्रॉस कल्चरल बैरियर एक एक करके हम हर बैरियर को पढ़ेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर की फिजिकल बैरियर क्या हो गया फिजिकल बैरियर फिज़िकल मतलब जो कि हमारे किसी प्लेस की वजह से या फिर नॉइज़ की वजह से ये जो प्रॉब्लम एराइज होती हैं वो आपके फ़िजिकल बैरियर में आ जाएंगे जैसे कि फर्स्ट पॉइंट होगा फिजिकल बैरियर के पॉइंट से आ गए ये फोर्टी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा कि जो स्ट्रक्चर बनाया है ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर का मतलब अथियोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सही ढंग से बनाया ही नहीं हुआ पता नहीं है किसने किसको रिपोर्ट करना है कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन आएगी तो ये क्या हो जाता है हमारा फॉल्टी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसके कुछ पॉइंट होंगे कि किस किस वजह से वो फॉल्टी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है वर्किंग एरिया बहुत लार्ज है ऑफिस डोर क्लोज है कुछ पता ही नहीं है सेपरेट एरिया हर ऑफ फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेटस सबके लिए अलग अलग एरिया है इट फॉरवर्ड टीम मेंबर फ्रॉम इफेक्टिव इंटरेक्शन विद ईच अदर कि आपने कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बना रखे हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम थी सेकेंड जो फिजिकल बैरियर का पॉइंट आता है डेट इज नॉइज नोट कर लो ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और नॉइज ये सब पॉइंट है फिजिकल बैरियर के सबसे पहले नॉइज़ के अंदर फिजिकल नॉइज कि जैसे क्लासरूम में लेक्चर चल रहा है कि आप लोग हैं और लेक्चरर्स हैं लेक्चर अप लेक्चरार अपनी बात रख रहा है आपके सामने लेकिन बाहर कुछ ग्रास कटिंग मशीन चल रही है या बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है तो क्या डिस्टर्बेंस होगी या नहीं होगी होगी ना देन आता है साइकोलॉजिकल नॉइस uh, जिसे हम बोलते हैं कि टीचर तो लेक्चर दे रहा है लेकिन स्टूडेंट अटेंटिवली नहीं है मेंटली uh, प्रजेंट नहीं है वहाँ पर तो वो हो गया साइकोलॉजिकल नॉइस के अंदर कुछ और ही चल रहा है अलग अलग थॉट्स आए जा रहे हैं आपके दिमाग में रिटर्न नॉइस कि आपने क्या किया रिटर्न नॉइस में क्या होगा राइटिंग इतनी गंदी लिखी है कि आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या लिखा है विजबल नॉइस ये क्या है विजबल नॉइस होगा लेट अराइवल ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कि एम्प्लॉयज़ लेट पहुंच रहे हैं उसके बाद आता है टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस क्या कि इम टाइम पर पहुँच रहा है एम्प्लॉय है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डिफेक्टिव है नेटवर्क फैसिलिटी सही नहीं है या मकेनिकल कुछ ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद हम बात करें एक और पॉइंट होता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड कि एक ही दिन में आपको बहुत कुछ चीज़ें समझा दी जाए क्या समझ आएंगी नहीं इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग भी एक रीज़न बनता है हमारा फिजिकल बैरियर का अब जो सेकंड मेन पॉइंट था डेट इज सीमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर एक चीज़ ध्यान रखना ये देखिए एक कोड दिया हुआ है रैंडम जैपनीज कहने दोज़ स्पीक डू नॉट नो दोज हु नो डू नॉट स्पीक जो जानता है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है वो कुछ जानता नहीं है देखिए जो सीमेंटिक वैरियर हैं सीमेंटिक या फिर देखिए साथ में लिखा है लैंग्वेज वैरियर। वो किसकी वजह से क्रिएट होते हैं लैंग्वेज की वजह से ठीक है जो सीमेंटिक वैरियर्स होते हैं वो जनरली ध्यान से सुनना लिखना चाहते हो तो लिख लो सीमेंटिक वैरियर इज़ द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ मीनिंग फोनेटिक्स साइंस ऑफ साउंड ठीक है कि हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं प्रनाउंस कुछ और किया लेकिन सामने वाले को कुछ और समझ आ रहा है एक ही वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो रही है तो वो भी किस में आएगा सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर में देखिए सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं जैसे पेल पेल ऑल्टर ऑल्टर बाय बाय ठीक है ऑलमोस्ट सेम है तो यहाँ ये क्या बन जाते हैं रीजन बन जाते हैं सीमेंटिक बैरियर के वर्ड हैव मल्टीपल प्रोनाशिएशन परनाउंसियशन अलग है जैसे वाउंड और वाउंड ठीक है पॉलिश वी मस्ट पॉलिश द पॉलिश फर्नीचर तो पॉलिश फर्नीचर पॉलिश का अलग अलग मीनिंग हो गया यहाँ पर साउंड एक जैसे ही दे रहे हैं तो ये स्पेलिंग हो गया परनाउंसिएशन हो गया या मीनिंग तो हो, हो, हो गया ये भी हमारा क्या होता है एक रीजन होता है सीमेंटिक बैरियर का आ, एक तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है लैंग्वेज वेरियर में कि लैंग्वेजेस अलग अलग है सिंपल ये पॉइंट करना आप सीमेंटिक में लैंग्वेज वेरियर कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं हर लैंग्वेज में हर शब्द का मीनिंग कुछ और हो सकता है नेक्स्ट क्लैरिटी इन स्पीच कि जो आप बोलना चाह रहे हो आप खुद ही क्लियर नहीं हो कि आप सामने वाले को क्या बताना चाह रहे हो लैंग्वेज वेरियर में एक और चीज़ आ जाती है यूजिंग जर्गन जर्गन क्या होता है जर्गन जनरली होता है कि आप टिपिकल वर्ड यूज़ कर रहे हो टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो टेक्निकल फील्ड को पढ़े हुए बंदे को समझ आएगी अब मेडिकल लैंग्वेज मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें समझ आएगी आम लोगों को वो समझ नहीं आएगी तो जर्गनस अगर यूज़ कर रहे हैं जिसे जर्गन को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ टेक्निकल वर्ड्स तो वो भी क्या बनता है लैंग्वेज वैरियर नोट बिंग स्पेसिफिक स्पेसिफिक ही नहीं हो आपको नहीं पता कि आप क्या पूछना चाह रहे हो या क्या बताना चाह रहे हो तो वो भी लैंग्वेज बैरियर में आता है नेक्स्ट हम आते हैं सोशल और साइकोलॉजिकल बैरियर साइकोलॉजी किससे रिलेटेड होती है दिमाग से हमने क्या सोचा और हमने क्या सोच सोचने की वजह से हमारे कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो चीज़ हो जाएगी सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर देखिए सिंपल सा है साइकोलॉजिकल बैरियर्स को कैसे डिस्क्राइब किया है एज द कॉज ऑफ डिस्टोर्टेड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ किसकी वजह से ह्यूमन साइकोलॉजी प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड की वजह से आपकी थिंकिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आई कम्युनिकेशन में इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स जब हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें एटीट्यूड एंड ओपिनियन अगर किसी बंदे का एटीट्यूड ही नेगेटिव है तो जो स्पीकर बोलना भी चाहेगा उसे नेगेटिवली लेकर जाएगा ठीक है इमोशन emotion, इमोशनल है कुछ छोटा सा कोई चीज़ टीचर ने हल्का सा डांटा कुछ समझाने के लिए बच्चे ने रोना शुरू कर दिया मतलब वो समझना नहीं चाह रहा कि टीचर डांट रहा है तो उसमें उसी का फ़ायदा है उसी का बेनिफिट है नेक्स्ट फिल्टरिंग एंड डिस्टोरेशन ऑफ मैसेज कई बार ऐसा होता है मैंने किसी थर्ड पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है लेकिन वो पास होकर जा रही है एक बंदे से दूसरे बंदे से फिर थर्ड पर्सन तक पहुंच रही है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिल्टर होती गई सामने वाले ने कुछ चेंज किया उससे नेक्स्ट वाले ने चेंज कर दिया बात का मीनिंग ही बदल गया नेक्स्ट स्टेटस डिफरेंस स्टेटस डिफरेंस भी बहुत बड़ा अड़चन बनता है कई बार स्टेटस की वजह से बंदा अपने लोअर काम करने वाले बंदे से बात ही नहीं करना चाहता जिसकी वजह से भी साइक ये बैरियर क्रिएट होता है इन अटेंशन अटेंशन नहीं पे कर रहे क्लोज माइंडेड कि आपने कुछ भी बोला बंदा बंदे की मतलब सो, इतनी सोच इतनी संकुचित है कि वो उस बात को नेगेटिव लेकर जा रहा है एक्सपीरियंस भी एक इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ठीक है इसके अलावा, अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस कल्चरल बैरियर जो किसकी वजह से क्रिएट हो रही है कल्चर की वजह से ठीक है अब कल्चर क्या होता है कल्चर क्या होता है ये आप सब लोगों को पता होगा कल्चर वो वैल्यूज़ वो बिलीफ जिसके थ्रू एक पर्सन अपने आप को आइडेंटिफाई करता है जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग होगा साउथ इंडिया का कल्चर अलग होगा कल्चर मतलब जो रीति रिवाज जो त्यौहार आप लोग फॉलो कर रहे हैं जिन नियमों पर आप चल रहे हो रूल रेगुलेशन वो आपके कल्चर को आइडेंटिफाई करते हैं इंडियन का कल्चर अलग है ब्रिटिशर्स का कल्चर अलग है अब क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होगा कि अलग अलग कल्चर ठीक है अलग अलग कल्चर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका हो जाता है क्रॉस कल्चर और क्रॉस कल्चर में सबसे बड़ा पैरियर सबसे पहले लैंग्वेज का। नॉर्थ इंडियन जनरली हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहीं वही साउथ इंडियन चले जाएँ तो हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज आ जाती है मराठी कन्नड़ मलयालम ठीक है तो सबकी लैंग्वेज अलग है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लैंग्वेज की आ गई वैल्यूज वैल्यूज मतलब हमारे यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ का तुम्हें पीके मूवी सबने देखी होगी पीके मूवी से समझ आएगा कि एक मुस्लिम के लिए किसी चीज़ का किसी कलर की वैल्यू कुछ और होती है हिंदू के लिए उसी कलर की वैल्यू कुछ और होगी क्रिश्चियन के लिए उसी कलर की वैल्यू कुछ और होगी तो ये वैल्यूज आ जाता है बीच में सोशल रिलेशन सोशल रिलेशन किस तरीके से मेंटेन होते हैं एक कल्चर है जहाँ यहाँ पर अपने इंडिया की बात करें या फिर हम वेस्टर्न कल्चर में बात करें हेलो करना एक तरह से सामने वाले को नमस्ते एक तरह से सामने वाले का वेलकम ग्रीटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं वहीं पर मिडल ईस्ट कंपनीज कंट्रीज लगाएं अगर हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर हैंडशेक अच्छा नहीं माना जाता टाइम भी एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे यहाँ पर मान लो हमारी कोई कंपनी है इंडिया में डील है जिसकी एक ब्रांच यू में है अब हमारे यहाँ का जिस टाइम यहाँ दिन हो रहा होगा वहाँ रात हो रही होगी हमें आपस में कम्युनिकेट करना है कोई बात वहाँ तक पहुँचानी है क्या वहाँ पर वो करेंगे तभी हमारे इंडिया में नाइट शिफ्ट होती हैं क्यों क्योंकि हमें अपने टाइम को मैच करना पड़ता है वहाँ के टाइम के साथ डिफरेंट क्रॉस कल्चर बैरियर के अंदर एक कंसेप्ट ऑफ स्पेस भी आता है गेस्टर बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज में आ, हर कल्चर में बॉडी लैंग्वेज का मीनिंग अलग होगा तो हम कहीं पर वेरी गुड या फिर किसी को ऑल द बेस्ट हम बोलने के लिए आप यूज़ करते हो कहीं पर उसका नेगेटिव माना जाता है तो ये आपका आ जाता है आपका क्रॉस कल्चरल उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आपका क्या आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि बैरियर बनते हैं कम्युनिकेशन में जैसे कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँचते पहुँचते मैसेज बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो ये पहला रीज़न हुआ ठीक है इंफॉर्मेशन को समझने में गलती हुई रिसीवर की साइड से वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हुआ मैसेज कंप्लीटली नहीं पहुँचा रिसीवर तक वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है इंफॉर्मेशन को जो पीयर्स ने रिसीव किया या राइवल्स ने वो भी ठीक नहीं है इंफॉर्मेशन गैप ये कुछ रीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के ये बहुत सारे रीजंस हैं आप इसे पढ़ लीजिएगा उसके बाद हम क्या है नेक्स्ट uh, क्लास में जो हम करेंगे अभी हमने पढ़ा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर ठीक है आज के लिए आपको मैं टू डेज दूंगी ये टॉपिक कवर करने के लिए क्योंकि लेंथी है जिनके पास बुक है वो बुक को भी रेफर करेंगे इसके साथ ही ये टॉपिक और ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि ये बैरियर जो क्रिएट हुए इसे हम रिमूव कैसे कर सकते हैं उसके हम पॉइंट्स करेंगे थैंक यू सो मच